गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 9th मैथ 2 ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट 8.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने प्रैक्टिस सेट 8.2 के क्वेश्चन 2, 3 और 4 किए थे और आज हम क्वेश्चन 1 करने वाले हैं, जिसमें हमें 9 एग्जांपल्स करने हैं और हर एक एग्जांपल में साइन, कॉस, टेन ये तीन रेशो में से एक रेशो का वैल्यू दिया है और रिमेनिंग टू रेशो हमें फाइंड करने हैं। तो इसमें हमने जो बेसिक में 5 फॉर्मूले स्टडी किए थे उसमें से 2 फॉर्मूले काम आएंगे, फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5। तो उसमें फॉर्मूला नंबर 4 हमने क्या लिखा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, एंड फॉर्मूला नंबर 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें क्वेश्चन नंबर 1 के सम्स करने के लिए यूज होंगे। तो पहले वो दोनों फॉर्मूले हम बोर्ड पर लिख लेते हैं और फिर एग्जांपल्स शुरू करते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 हमने स्टडी किया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, एंड फॉर्मूला नंबर 5 साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये दो फॉर्मूले हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करने हैं। तो चलो एग्जांपल 1 शुरू करते हैं। एग्जांपल 1 में हमें कॉस थीटा का वैल्यू दिया है और साइन थीटा और टेन थीटा फाइंड करना है। यहां पर हमें टेबल के फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया है, तो हर एक कॉलम में हमें एक एग्जांपल यहां पर दिखाई देगा। हर एक कॉलम में एक रेशो दिया है, 2 रेशो हमें फाइंड करने हैं। तो हर एक कॉलम यानी यहां पर एक एग्जांपल है। तो पहला एग्जांपल करते हैं जिसमें गिवन है कॉस थीटा। फर्स्ट एग्जांपल गिवन इज कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 35 अपॉन 37 और हमें साइन थीटा एंड टेन थीटा फाइंड करना है। सो टू फाइंड, नंबर 1 साइन थीटा, 2 टेन थीटा। तो साइन थीटा फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला नंबर 5 यूज करेंगे, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसमें कॉस थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सिंप्लीफाई करके हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो फर्स्ट आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 1 जिसमें हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हमें दिया है 35 अपॉन 37 और उसका स्क्वायर इक्वल टू 1। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 35 का स्क्वायर दैट इज 1225 अपॉन 37 का स्क्वायर। देखो 37 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए मैं सिंपल आइडिया आपको बताता हूं। 37 का स्क्वायर करना है तो 7 इंटू 7, 7 जा 49 कैरी 4, फिर 7 3 जा 21 और ये 7 3 जा 21 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, एडिशन 6 4 46 के लिए 6 अगेन कैरी 4 ऑफ 3 3 जा 9 और 9 प्लस 4 13, तो ये 13 इधर लिख देंगे। तो इस तरह से हम डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं। देखो कैसे आइडिया बताया मैंने, पहले 7 इंटू 7 करो, 7 जा 49 कैरी 4 आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 37 जा 21, 37 जा 21 ये सबका एडिशन आ गया 46, उसमें से 6 यहां पर लिया 4 कैरी, और फिर 3 इंटू 3 करो 33 जा 9 और 9 प्लस 4 13, तो इस तरह से 37 का स्क्वायर हमें आ गया 1369, 1369 37 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये टर्म आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1225 अपॉन 1369। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1369 माइनस 1225 डिवाइडेड बाय 1369,
न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन आएगा 144। देखो 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4 एंड 13 माइनस 12 1, और डिनोमिनेटर में 1369। ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया। अब हमें साइन थीटा चाहिए तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। सो साइन थीटा इक्वल टू 144 का स्क्वायर रूट 12 अपॉन 1369 का स्क्वायर रूट 37, क्योंकि वो 37 का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट 37 आएगा। तो इस तरह से हमें पहला आंसर आ गया साइन थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 37। अब इसके बाद हमें टेन थीटा फाइंड करना है, तो टेन थीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला नंबर 4 यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड आंसर, अब हमें टेन थीटा फाइंड करना है तो फॉर्मूला लिखते समय टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें हमें साइन थीटा का वैल्यू भी मिल चुका है, कॉस थीटा का वैल्यू भी गिवन है, तो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू है 12 अपॉन 37 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू है 35 अपॉन 37। आगे सिंप्लीफिकेशन, 12 अपॉन 37 इंटू ये उल्टे हो जाएंगे 37 अपॉन 35। हाँ, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर दिए तो 35 अपॉन 37 के 37 अपॉन 35 हो गए। अब 37 37 कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट 12 अपॉन 35 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो इस तरह से हमें दूसरा भी आंसर मिल गया। तो इस एग्जांपल में हमें cos थीटा दिया था और sin और tan फाइंड करना था, तो हमने ये दोनों फॉर्मूले यूज किए। पहले sin square थीटा plus cos square थीटा equal to 1 फॉर्मूला यूज करके sin थीटा मिल गया, और फिर tan थीटा equal to sin थीटा upon cos थीटा यूज करके tan थीटा भी मिल गया। इसके बाद करते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। चलो अभी करेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड, जिसमें हमें sin थीटा दिया है। साइन थीटा इज 11 अपॉन 61 एंड वी हैव टू फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो गिवन लिखते हैं एग्जांपल नंबर टू, गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू 11 अपॉन 61 एंड टू फाइंड इज नंबर वन कॉस थीटा, नंबर टू टेन थीटा। अब यहां पर भी हमें पहले यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसमें साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा, और फिर कॉस थीटा मिलने के बाद फिर टेन थीटा फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चलो आंसर लिखते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसमें साइन थीटा का वैल्यू है 11 अपॉन 61 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू 1। 11 का स्क्वायर 121, 61 का स्क्वायर अभी जो मैंने आइडिया बताया उस तरह से करेंगे 61 इंटू 61। देखो 1 का स्क्वायर लिखो 1 इंटू 1 1, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 1 जा 6 6 1 जा 6 एडिशन आ गया 12, 12 का 2 कैरी 1 और 6 6 जा 36, 36 प्लस 1 37, तो ये 37 इधर लिखेंगे। तो 61 का स्क्वायर आ गया 3721 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये टर्म आरएसएस में ट्रांसफर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 121 अपॉन 3721। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। अब इसका सब्ट्रैक्शन आएगा 3600 अपॉन 3721, सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें 3600 अपॉन 3721 मिल गया। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा एंड देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 3600 का स्क्वायर रूट आएगा 60 अपॉन 3721 का स्क्वायर रूट है 61 एंड देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू मिल गया 60 अपॉन 61। इसके बाद tan थीटा फाइंड करेंगे, फॉर्मूला इज tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड देयरफॉर sin थीटा गिवन है दैट इज 11 अपॉन 61 डिवाइडेड बाय cos थीटा इज 60 अपॉन 61। नेक्स्ट 11 अपॉन 61 इंटू
61 अपॉन 60 हो जाएगा, 61 61 कैंसल, फाइनल आंसर इज 11 अपॉन 60 एंड दिस इज tan थीटा। इस तरह से ये सेकेंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया जिसमें साइन थीटा दिया था और कॉस और tan हमने फाइंड किया। इसके बाद करते हैं थर्ड एग्जाम्पल, चलो अभी थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें यहां पर tan थीटा दिया है, tan थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड करना है, तो यहां पर हमें tan थीटा का फॉर्मूला पहले यूज करना होगा। पहले गिवन लिखते हैं, गिवन tan थीटा इक्वल टू 1 एंड टू फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। यहां पर हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूला पहले यूज करना पड़ेगा। आंसर फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब इसमें tan थीटा का वैल्यू 1 दिया है एंड देयरफॉर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा का वैल्यू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो वी विल गेट साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर भी हम साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा इक्वल है एंड देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 1 एज साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल, सो वी कैन रिप्लेस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। सो इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल गेट 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 2 डिनोमिनेटर में जाएंगे 1 अपॉन 2। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो तो हमें साइन थीटा मिल जाएगा एंड देयरफॉर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो इस तरह से हमें पहला आंसर मिल गया साइन थीटा। अभी कॉस थीटा फाइंड करते हैं सेकेंड आंसर, उसके लिए इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। इक्वेशन 1 इज साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसमें साइन थीटा का वैल्यू हमें मिल चुका है 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा भी 1 अपॉन अंडर रूट 2 है एंड देयरफॉर फाइनली वी कैन राइट कॉस थीटा इज आल्सो 1 अपॉन अंडर रूट 2। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू सेम है, साइन थीटा का 1 अपॉन रूट 2 आ गया तो कॉस थीटा भी 1 अपॉन रूट 2। तो इस तरह से ये थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, चलो अभी फोर्थ एग्जाम्पल करते हैं। उसमें हमें साइन थीटा दिया है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय 2 एंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा फाइंड करना है। चलो गिवन लिखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, गिवन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड टू फाइंड नंबर 1 कॉस थीटा, नंबर 2 tan थीटा। तो यहां पर हमें साइन का यूज करके कॉस फाइंड करना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही फॉर्मूला शुरू में यूज करना होगा। आंसर नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें साइन थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन थीटा इज 1 अपॉन 2 इट्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 माइनस 1 अपॉन 4 सब्ट्रैक्शन 3 अपॉन 4, सो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 3 अपॉन 4। तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा एंड देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इस तरह से कॉस थीटा मिल गया। अब इसके बाद हमें
tan थीटा फाइंड करना है, तो tan थीटा फाइंड करने के लिए फोर्थ फॉर्मूला यूज करेंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। सेकेंड आंसर, tan थीटा फाइंड करना है, सो tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसमें sin और cos का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा इज 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा रूट 3 बाय 2। नेक्स्ट 1 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, 2 विल गेट कैंसल एंड फाइनली विल गेट 1 अपॉन रूट 3 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो इस तरह से tan थीटा भी मिल गया। एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया, इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। चलो अभी फिफ्थ एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमें cos थीटा का वैल्यू दिया है, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 एंड sin थीटा एंड tan थीटा फाइंड करना है। सो फिफ्थ एग्जाम्पल गिवन, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 एंड टू फाइंड sin थीटा एंड tan थीटा। पहले फॉर्मूला नंबर 5 यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट आंसर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें कॉस थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 उसका स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस 1 अपॉन 3 दैट इज 2 अपॉन 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का तो हमें साइन थीटा मिलेगा, सो साइन थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 3, सो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला यूज करेंगे एंड टैन थीटा फाइंड करेंगे। सेकेंड आंसर, फॉर्मूला इज टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसमें साइन थीटा का वैल्यू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1 अपॉन अंडर रूट 3। नेक्स्ट अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन 1, तो रूट 3 विल गेट कैंसल एंड वी विल गेट रूट 2 अपॉन 1 एंड दैट बिकम्स रूट 2 एंड देयरफॉर सेकेंड आंसर tan थीटा इक्वल टू रूट 2। तो इस तरह से ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। चलो अभी करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में हमें tan थीटा का वैल्यू दिया है और sin और cos फाइंड करना है। tan थीटा इक्वल टू 21 अपॉन 20 दिया है एंड sin थीटा एंड cos थीटा फाइंड करना है। तो यहां पर हमें फॉर्मूला नंबर 4 पहले यूज करना पड़ेगा। हाँ, tan थीटा इज गिवन, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला पहले यूज करेंगे और फिर लास्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलो आंसर लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 गिवन, टैन थीटा इक्वल टू 21 अपॉन 20 एंड टू फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा, टू फाइंड नंबर 1 साइन थीटा नंबर 2 कॉस थीटा। तो यहां पर हमें पहले टैन थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आंसर फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा, देयरफॉर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। टैन थीटा का वैल्यू दिया है 21 अपॉन 20,
सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 20 और अपॉन 20 मिल गया। अब इसके बाद एलएचएस में जो कॉस थीटा है इसे हम आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे, साइन थीटा एलएचएस में ही रखेंगे, ओनली कॉस थीटा को आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे। तो कॉस थीटा इधर डिनोमीटर में है तो आरएचएस में जाएगा तो न्यूमीटर में जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 21 अपॉन 20 इंटू कॉस थीटा, और इसे हम इक्वेशन नंबर वन कहेंगे। तो क्या किया हमने, ओनली कॉस थीटा को आरएचएस में ट्रांसफर कर दिया और हमें इक्वेशन वन मिल गया। तो इक्वेशन वन में हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। अब इसके बाद इक्वेशन वन मिलने के बाद अभी हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज फॉर्मूला नंबर 5। नाउ फॉर्मूला नंबर 5 इज साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें हम साइन थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें इक्वेशन वन में मिला है, इक्वेशन वन में जो साइन थीटा का वैल्यू मिला है कॉस थीटा के फॉर्म में, वो हम इस इक्वेशन में अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू है 21 अपॉन 20 इंटू कॉस थीटा, तो यहां पर साइन थीटा की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 21 अपॉन 20 कॉस थीटा, दिस इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा, और उसका स्क्वेयर करना है प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। आगे का सिंप्लीफिकेशन स्क्वेयर करेंगे, 21 का स्क्वेयर 441 अपॉन 400 इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वेयर थीटा एज इट इज इक्वल टू 1। इसके बाद अभी इधर डिनोमीटर में 400 है तो ये डिनोमीटर के 400 कट होने के लिए हम हर एक टर्म को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे। वी विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म बाय 400, तो यहां पर 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 कट हो जाएंगे, इधर 400 कॉस स्क्वायर थीटा आएंगे और इधर आरएचएस में 400 आएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम 400 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 400 ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा इधर 400 कैंसिल होंगे तो 441 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड टर्म भी हम 400 से मल्टीप्लाई करने वाले, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी 400 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आरएचएस में भी 400 से मल्टीप्लाई करने वाले, तो आरएचएस हो जाएगी 400। तो इस तरह से हर एक टर्म को 400 से मल्टीप्लाई करके हमें नेक्स्ट स्टेप मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 441 प्लस 400 ये दोनों का एडिशन होगा एंड दिस विल बिकम 841 कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 400। नेक्स्ट 841 को आरएचएस में ट्रांसफर करो तो वो हो जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 400 अपॉन 841। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो एंड देयरफॉर विल गेट कॉस थीटा इक्वल टू 400 का स्क्वायर रूट 20 और 841 का स्क्वायर रूट 29। तो इस तरह से हमें कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब हमें साइन थीटा का भी वैल्यू फाइंड करना है, तो ये कॉस थीटा का जो वैल्यू मिल गया वो इक्वेशन वन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। इसके बाद नाउ साइन थीटा इक्वल टू 21 अपॉन 20 इंटू कॉस थीटा, दिस वी आर रिटर्न फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इसमें कॉस थीटा का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू 21 अपॉन 20 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमें मिला है 20 अपॉन 29, तो 20 विल गेट कैंसल एंड फाइनली वी विल गेट ये 20 कैंसल हो जाएगा तो फाइनली मिलेगा 21 अपॉन 29 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो इस तरह से ये सेकंड आंसर भी हमें मिल गया। तो इस क्वेश्चन में हमें टैन थीटा दिया था और साइन और कॉस हमें फाइंड करना था, तो इस तरह से हमने पहले टैन थीटा का फॉर्मूला यूज किया, कॉस थीटा आरएचएस में ट्रांसफर करके ये इक्वेशन हमें मिल गया जिसमें साइन थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा मिल गया। फिर हमने नेक्स्ट फॉर्मूला लिया, उसमें साइन थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फिर स्क्वेयर करके दोनों साइड को मल्टीप्लाई करके आगे सिंप्लीफिकेशन किया तो कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया और ये कॉस थीटा का वैल्यू अगेन इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करके साइन थीटा का वैल्यू मिल गया।
तो इस तरह से एग्जाम्पल सिक्स कंप्लीट हो गया। इसके जैसा ही एग्जाम्पल सेवन है उसको करते हैं। चलो अभी एग्जाम्पल नंबर सेवन करते हैं। एग्जाम्पल सेवन भी सिक्स जैसा ही है, यहां पर भी हमें टेन थीटा का वैल्यू दिया है और साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करना है। सो हियर टेन थीटा इज गिवन 8/15। तो चलो आंसर लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेवन गिवन टेन थीटा इक्वल टू 8/15 और साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करना है। तो सिक्स जैसा ही इसका भी आंसर बनेगा। पहले सबसे पहले हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा फॉर्मूला लेंगे, उसमें टेन थीटा का जो वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो विल गेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 8/15। नेक्स्ट कॉस थीटा को आरएसएस में ट्रांसफर करेंगे तो हमें साइन थीटा वैल्यू मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू 8/15 इंटू कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसमें ये जो साइन थीटा का वैल्यू हमें मिला इक्वेशन वन में वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू है 8/15 कॉस थीटा और उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 15 का स्क्वायर 225 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हर एक टर्म को यहां पर हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 225 से, ताकि ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग बाय 225 ऑन बोथ साइड्स, हर एक टर्म को 225 से हम मल्टीप्लाई करें, तो यहां पर 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 कैंसिल हो जाएंगे, 64 बनेंगे, 64 cos स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड टर्म को भी हम 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 cos स्क्वायर थीटा, आरएचएस में भी 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आरएचएस बनेगा 225। नेक्स्ट अब ये 64 cos स्क्वायर थीटा और 225 cos स्क्वायर थीटा का एडिशन करेंगे तो 289 cos स्क्वायर थीटा मिलेगा इक्वल टू 225 एज इट इज। नेक्स्ट ये 289 अभी आरएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 225 अपॉन 289। दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, cos थीटा इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट 15 अपॉन 289 का स्क्वायर रूट 70, तो cos थीटा मिल गया 15 अपॉन 70। अब ये जो cos थीटा का वैल्यू मिला है वो इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin थीटा का वैल्यू मिलेगा, एंड देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू 8/15 cos थीटा, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन वन, और इसमें हम cos थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 8/15 इंटू cos थीटा का वैल्यू है 15/17। तो यहां पर 15 कैंसिल हो जाएंगे और हमें sin थीटा का वैल्यू मिलेगा, sin थीटा इक्वल टू 8/17, एंड दिस इज आवर सेकंड आंसर। तो इस तरह से एग्जांपल 7 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसी तरह से एग्जांपल नंबर 9 है, तो 8 को हम थोड़ा पीछे रखते हैं, पहले इसी तरह का जो 9 एग्जांपल है जिसमें tan थीटा का वैल्यू दिया और sin और cos फाइंड करना है वो पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जांपल 8 करेंगे। चलो अभी करेंगे एग्जांपल नंबर 9 जिसमें हमें tan थीटा दिया है 1/√2 और sin थीटा एंड cos थीटा फाइंड करना है। एग्जांपल नंबर 9 गिवन tan थीटा इक्वल टू 1/√2 एंड टू फाइंड sin थीटा एंड cos थीटा। तो जब tan थीटा दिया जाता है तो हम पहले tan थीटा का ही फॉर्मूला यूज करते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, देयरफॉर sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा का वैल्यू है 1/√2। नेक्स्ट ये cos थीटा आरएसएस में ट्रांसफर करना है तो हमें मिलेगा sin थीटा इक्वल टू 1/√2 cos थीटा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 जिसमें हमें sin थीटा का वैल्यू cos थीटा के फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें साइन थीटा का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें इक्वेशन 1 में मिला है, दैट इज 1/√2 कॉस थीटा और उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, यानी ये 2√2 का स्क्वायर आएगा 8, 1/8 cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट
अब उसके बाद हमें हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ये डिनोमिनेटर एट यहां पर कैंसिल करने के लिए, तो कौन से नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना चाहिए, 8 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो वी विल मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म बाय 8, मल्टीप्लाइंग बाय 8 ऑन बोथ साइड्स, तो एलएचएस में मिलेगा ये 8 कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर मिलेंगे 1 cos square theta, यानी ओनली cos square theta भी हम उसे लिख सकते हैं 1 cos square theta, प्लस सेकेंड टर्म को भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 cos square theta, RHS को भी 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8, तो इधर 1 cos square theta और 8 cos square theta हो जाएंगे 9 cos square theta equal to 8, and therefore cos square theta equal to 8 upon 9। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम अभी स्क्वायर रूट लेंगे, तो cos theta equal to आएगा 8 का square root of 8 upon 9 का square root 3, और square root of 8 को हम सिंप्लीफाई करके आगे लिख सकते हैं 2√2। स्क्वायर रूट ऑफ 8 को देखो, पहले स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हम स्क्वायर रूट ऑफ 4√2 लिख सकते हैं, और 4√2 को फिर √2√2 बनता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 का वैल्यू 2√2 आता है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 8 2√2 अपॉन 3 एज इट इज, तो इसका मतलब cos थीटा का वैल्यू हमें मिल गया 2√2 अपॉन 3। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, cos थीटा इक्वल टू 2√2 अपॉन 3, और फिर वही cos थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sin थीटा मिलेगा। नाउ sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2√2 इनटू cos थीटा, दिस इज इक्वेशन 1, सो वी आर राइटिंग फ्रॉम 1, इसमें cos थीटा का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज 1 अपॉन 2√2 इनटू cos थीटा का वैल्यू, ये 2√2 के फॉर्म में जो हमने फाइंड किया है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि 2√2 कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें sin थीटा का वैल्यू मिलेगा 1 upon 3, so this is the value of sin theta। तो इस तरह से यहाँ पर tan theta दिया था, cos theta हमने find किया, यहाँ पर बस carefully हमें ये 8 का जब हम ये 2√2 का जब square करते हैं तो 8 ठीक से करने आना चाहिए, और last में जब हम 8 का square root लेते हैं तो वो 2√2 यहाँ पर ठीक से लिखने आना चाहिए, बस इतना ही care करना है, बाकी पहले जो sum हमने किए example number 6 और 7 वैसा ही ये sum है। तो इस तरह से example 9 complete हो गया, इसके बाद एग्जाम्पल 8 हमारा जो बाकी है वो करते हैं। चलो अभी एग्जाम्पल 8 करते हैं। एग्जाम्पल 8 में हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा फाइंड करना है। तो इसमें हमें ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये फॉर्मूला पहले यूज करना पड़ेगा। साइन थीटा दिया है तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो कॉस थीटा मिल जाएगा, और साइन और कॉस हमारे पास आ जाने के बाद फिर हम नेक्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करके टेन थीटा भी फाइंड कर लेंगे। तो चलो आंसर लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, गिवन साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड वी हैव टू फाइंड नंबर 1 कॉस थीटा एंड नंबर 2 टैन थीटा। कॉस और टैन फाइंड करना है, साइन गिवन है, तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट आंसर फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें साइन थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू है 3/5 उसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देयरफॉर 3/5 का स्क्वायर आएगा 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट cos square theta equal to 1 minus, ये 9/25 RHS में जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस 9/25 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25, सिंप्लीफिकेशन 25 माइनस 9 करेंगे तो 16/25, तो ये cos square theta का वैल्यू हमें आ गया। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें cos theta मिल जाएगा, एंड देयरफॉर By taking square root on both side, cos theta equal to हो जाएगा 4/5। तो इस तरह से ये हमारा पहला आंसर आ गया cos theta। अब इसके बाद tan theta find करना है, तो उसके लिए हम वो फॉर्मूला नंबर 4 यूज करेंगे। सेकेंड आंसर फॉर्मूला tan theta equal to sin theta upon cos theta, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin theta तो हमें गिवन है 3/5 और cos थीटा हमने फाइंड किया है 4/5। नेक्स्ट 3/5
इनटू ये 4 अपॉन 5 जो डिनोमिनेटर में उसे मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे तो दैट विल बिकम 5 अपॉन 4. 5 5 विल गेट कैंसल और हमें मिलेगा फाइनली 3 अपॉन 4 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा. तो इस तरह से tan थीटा मिल गया 3 अपॉन 4. तो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 में हमने 9 सम्स कर लिए जिसमें साइन कॉस टेन में से एक रेशियो हमें दिया रहता था और दूसरे दो रेशियो हमें फाइंड करने रहते थे और ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस ये दो ही फॉर्मूले काम आते हैं. ओके तो इस तरह से ये एग्जांपल 1 कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन 2, 3, 4 तो हमने फर्स्ट पार्ट में ही प्रैक्टिस सेट 8.1 के फर्स्ट पार्ट में ही मैंने आपको पढ़ा दिया था. तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 8.2 कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का प्रॉब्लम सेट शुरू करेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.